दिया है, तुम भी जमीन पे पाओ दो। बहुत सारे लोगों के अरमान पर पानी फिर गया, रिश्ता लेके आए थे नबी ने भगा दिया। इससे अच्छा तुम हमारे पास नहीं है, नबी ने भगा दिया, जाओ मुंह देखा है तो आ गए। यहाँ होगी शादी, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब परेशान ना हो, हमने फातिमा और अली का हाथ आसमान पे कर दिया है, जमीन पे तुम भी कर दो। नबी ने ऐलान कर दिया कि फातिमा का हाथ आसमान पे हो गया अली के साथ। अब लोगों के दिलों में जलन होने लगी, लोगों ने ये मुहावरा बना दिया कि जोड़े तो आसमान ही पर बनते हैं। जोड़े तो आसमान ही बनते हैं, जोड़े तो आसमान ही बनते हैं, जोड़े तो आसमान ही बनते हैं। कोई जोड़ा आसमान पे नहीं बना सिवाय अली और फातिमा के। ये अली और फातिमा की दुश्मनी में बात उड़ाई गई कि जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। ए भैया, अगर जोड़े आसमान पर बनते तो कभी समाज में तलाक ना होता। समाज में तलाक होना इस बात की दलील है कि आसमान पे एक ही जोड़ा बना है, वो है अली और फातिमा का। और इतनी मोतबर है फातिमा, अल्लामा इस्माइल देवबंदी लिखते हैं कि मैंने 20 साल फातिमा की जिंदगी पर रिसर्च की। सुन लीजिएगा जुमला, लोहे दिल पर लिख के जाइएगा। 20 साल रिसर्च करने के बाद आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब भी नामे फातिमा लिखा जाए तो कलम पे चादर डाल के लिखा जाए। ऐसी बातें नहीं सुने तो जब भी लफ्ज़े फातिमा लिखा जाए तो कलम पे चादर डाल के लिखा जाए। इतनी पर्देदार बीवी है, ऐसी बीवी है कि जिसको पर्दा डाल के नाम लिखा जाए, याद रखिएगा, तवज्जो, याद रखिएगा, जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जला दिया जाएगा। आज के मेरा जुमला पहुंच जाता, जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो चला दिया जाएगा। सिदरतुल मुंतहा, नबी ने जिब्रील से कहा आगे आओ। जिब्रील ने कहा आगे जाऊंगा तो चल जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे चूंकि अभी तक साथ में था नूर रिसालत, अब शुरू हो रही है सरहद इस्मत। अभी तक साथ में थे मोहम्मद, अब शुरू हो रहा है दारे नूरे सैयदा। और मैं मासूम होके पहले दिन ये कानून बना रहा हूँ कि जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जलाया जाएगा। जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जलाया जाएगा। चाहे आसमान पे हो, चाहे घर में हो, अब ये ना पूछना जन्नत कौन जाएगा, जहन्नम कौन जाएगा। देख लेना जो दरे सैयदा पे आग और लकड़ी लेके नजर आए, वो जहन्नम जाएगा। और जो सलाम करता नजर आए वो जन्नत जाएगा। एक जुमला और पढ़ दूं, नूरे सैयदा तो नूरे सैयदा, अगर फातिमा की चादर आ जाए तो बगैर इजाजत कोई नहीं आएगा। चलिए मैं इसी पे राजी हूं, कोई नहीं आएगा। अली आए या नबी अल्लाह इजाजत है चादर में आऊं, हसन आए नाना इजाजत है चादर में आऊं, हुसैन आए नाना इजाजत है चादर में आऊं। दुनिया ने इजाजत मांगी, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन जब कायनात के सबसे बड़े बादशाह हुसैन ने इजाजत मांगी, मुझे ताज्जुब हुआ। हुसैन है कौन? हुसैन वो है जो मस्जिद नबवी में हालत नमाज में पुश्ते नबूवत पे बगैर पूछे बैठ जाता है।